हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक है पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। कौन सी पेशी कहाँ पाई जाती है, किस पेशी का क्या कार्य है, सबसे बड़ी, छोटी, लंबी एंड सभी प्रकार की चीज़ें मसल्स रिलेटेड इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, चाहे ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपल्सन एग्जाम हो चाहे अदर एग्जाम हो। तो दोस्तों, किसी भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मेरे चैनल पर सभी प्रकार के टॉपिक दिए गए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन, सभी प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपका बिहार स्टेट अभी होने वाला है मार्च में, उसके बाद बीपीएससी फिर से होगा अगस्त में एंड यूपीटीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड, उत्तराखंड एलटी एंड एमपी टेट के बाद सुपर टेट मुख्य परीक्षा नहीं हुआ है अभी, वो भी होगा। तो आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, स्नायु यानी कि लिगामेंट, स्नायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिगामेंट, स्नायु का खींचना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, लिगामेंट यानी कि स्नायु का खींचना कहलाता है, स्प्रेन यानी कि मोच क्या कहलाता है, स्प्रेन यानी कि मूच। लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, जबकि टेंडन क्या करता है, जो मांसपेशियों कंकालमा यानी कि जो रेखित पेशियां होती है, कंकालीय पेशियां होती है, उनको हड्डियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन। जब स्नायु यानी कि लिगामेंट में खिंचाव की बात करें तो स्प्रेन यानी मूच होगा, जब मांसपेशी या टेंडन की खिंचाव की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन यानी कि खिंचाव होगा। ठीक है, तो आई होप कि दोनों में आपको कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। एंड नेक्स्ट है, ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित होती है। तो दोस्तों, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी होती है हमारे कुल्हे यानी हिप में स्थित होती है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, तो ग्लूटियस मैक्सिमस एंड लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी की बात करेगा तो हमारा सार्टोरियस जांघ की। सबसे छोटी मसल्स है हमारे कान के स्टेपीडियस, और सबसे मजबूत मसल्स है हमारे निचले जबड़े की मसेटर मसल्स, जो हमारे निचले जबड़े के मैंडिबल हड्डी पर चढ़ा रहता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मायोलॉजी। एंड नेक्स्ट है, जांघ के सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है, जो हमारे घुटने के ऊपर जांघ के सामने की मांसपेशी होती है उसको क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोला जाता है। यह क्वाड्रिसेप्स मसल्स हमारे हिप को मोड़ने और घुटने का विस्तार करने में काम आता है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स चार पेशियों से मिलकर बनी होती है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, इन चार पेशियों से मिलकर बना होता है क्वाड्रिसेप्स। एंड क्वाड्रिसेप्स का ठीक पीछे यानी जांघ के पिछले भाग में हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, और जो घुटने को मोड़ने में काम आती है। और हैमस्ट्रिंग मसल्स भी तीन पेशियों के ग्रुप से बना होता है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस और सेमी टेंडेनियस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के व्यायामों द्वारा मांसपेशीय संकुचन नहीं होता है। तो जिसमें मांसपेशीय संकुचन नहीं होता है यानी कि लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो उसे आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। आइसोमेट्रिक यानी आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, सेम लंबाई, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तनाव बना रहता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पे होता है आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। जैसे कि स्ट्रेंथ यानी शक्ति को डेवलप करने की तीन विधियाँ होती हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। इससे क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ था। तो आइसो मतलब सेम लंबाई, आइसोमेट्रिक मतलब सेम लंबाई, आइसोटोनिक मतलब सेम तनाव, और आइसोकाइनेटिक मतलब सेम गति। तो आइसोमेट्रिक की खोज हेटिंगल मुलर ने 1954 में किया था, इसमें कोई प्रत्यक्ष गति नहीं होता एंड पेशी की लंबाई सेम होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे दीवार को धक्का देना इसका एग्जाम्पल है। और लगातार करने से इसमें शरीर का तापमान वृद्धि होता है, आकार आकृति परिवर्तन हो जाता है मसल्स की। और एक होता है आइसोटोनिक, मतलब आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव, तनाव सेम रहता है। आइसोटोनिक की खोज ली डोनी ने किया था 1953 में,
एंड आइसोटोनिक जो है इसमें मांसपेशियां घटती बढ़ती है, जैसे कि ये दो प्रकार का होता है आइसोटोनिक, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में जब हम डंबल का अभ्यास करते हैं तो हाथ को ऊपर की ओर फ्लैक्शन करते हैं तो मांसपेशी की लंबाई कम होती है, इसे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। और जब नीचे की तरफ ले जाते हैं तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है तो इसको इसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। यानी कि आइसोटोनिक कंट्रक्शन में शक्ति प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि होती है। इसके अंतर्गत आइसोटोनिक के अंतर्गत कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बॉल थ्रो आता है। और आइसोकाइनेटिक क्या होता है? आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, काइनेटिक मतलब गति। यानी कि जेम्स पेरिन, आइसोकाइनेटिक की खोज जेम्स पेरिन ने 1968 में किया था। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी DRE 2 में आया हुआ था, फिजिकल एजुकेशन 9th-10th में। एंड आइसोकाइनेटिक जो है मशीनों की सहायता से किया जाता है और ये ज़्यादातर पानी वाले खेलों में जैसे कि रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि में होता है। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गया होगा और मैंने हर वीडियो में इसको समझाया हुआ है और आ ही जाता है, इसलिए इसको कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। अक्सर एग्जाम में वही क्वेश्चन गलती होते हैं जो आपको अच्छे से आता रहता है ओवर कॉन्फिडेंस में। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी है तो कौन सी पेशी है सबसे लंबी? सार्टोरियस मसल्स हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है, जो हमारे जांघ में स्थित होती है, पट्टा पेशी या पट्टे जैसी होती है लंबी। यह हमारे हिप को मोड़ने, कोहनी के विस्तार करने और हमको कमर से नीचे झुकने में मदद करती है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, गैस्ट्रोनीमियस पेशी स्थित होती है तो दोस्तों ये पैर के निचले भाग में पीछे की तरफ, जैसे घुटने के नीचे आपका होता है जो पीछे गैस्ट्रोनीमियस होती है, जिसे हम कॉफ मसल्स भी बोलते हैं, जो थोड़ा उठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी संकुचन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो दोस्तों यह है ATP, जो हमारे मांसपेशियों में ATP जो है, ग्लूकोज जो है ATP के रूप में जमा होती है। वही हम जब मसल्स कंट्रैक्ट होती है तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होती है। इस ATP का निर्माण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन, वायवीय श्वसन के द्वारा। एंड नेक्स्ट है, किस मांसपेशी को टेलर मांसपेशी के रूप में जाना जाता है? तो सार्टोरियस मसल्स यानी जो सबसे लंबी मांसपेशी होती है हमारे शरीर की, सार्टोरियस मसल्स को टेलर मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्टेनोक्लेडोमस्टायड मसल्स कहाँ पे स्थित होती है? तो यह हमारे गर्दन पर स्थित होती है, यह हमारे गर्दन को घुमाने में मदद करती है। नेक्स्ट है, किसी पेशीय तंतु फाइबर में सर्वाधिक शीघ्रता से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? वह होता है फास्फोक्रिएटिन यानी PC जो होता है, जैसे कि ATP PC प्रणाली होती है, जो हमारे एनएरोबिक एक्टिविटी जो होती है, जो सबसे कम समय की हाई स्पीड हाई इंटेंसिटी की प्रणाली होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा PC प्रणाली फास्फोक्रिएटिन काम आता है। यानी दोस्तों जो अनएरोबिक एक्टिविटी होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वहाँ पे जो ऊर्जा हमारे शरीर में बना हुआ है और वही कार्य करने में मुख्य स्रोत होता है, जबकि जो एरोबिक कार्य होता है, जो एरोबिक एक्टिविटी होती है सहनशीलता वाले, जो हमारे शरीर में फैट स्टोर होता है, उससे फैट ऊर्जा में कन्वर्ट होकर ऊर्जा देता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, उड्यान बंद के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं? तो दोस्तों उदरी यानी पेट की मांसपेशियां उड्यान बंद में प्रारंभ होती है। ये बंद होता है मूल बंद, उड्यान बंद, जलंधर बंद, महाबंद, चार प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ATP PC के स्वतः तैयार अंतःपेशीय भंडार इंट्रामस्कुलर स्टोन की मात्रा कितनी होती है? तो 570 से 690 mm होती है। दोस्तों ATP PC प्रणाली के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप टेंशन न लीजिए। ATP PC प्रणाली जो अनएरोबिक क्रियाएं होती हैं उसमें होती हैं, उसी के माध्यम से ATP जो है ATP+PI में कन्वर्ट होकर के ऊर्जा देता है। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशी के विकास के लिए अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक है? जब भी हमको मसल्स का ग्रोथ करना है तो जितना हम कर रहे हैं उसे थोड़ा अधिक बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों,
सममितीय यानी कि आइसोमेट्रिक मांसपेशी के खिंचाव यानी आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन को कहा जाता है। तो इसको स्टैटिक कंट्रक्शन यानी कि स्थैतिक मांसपेशी की खिंचाव यानी स्थैतिक एंड डायनेमिक दो होता है। तो इसको स्टैटिक यानी कि स्थिर मांसपेशी खिंचाव भी कहते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, मांसपेशी की लंबाई सेम होती है। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय संकुचित होती हैं। तो जो गति करते समय संकुचित होती है उसको एगोनिस्ट कहते हैं, और जो इसके विपरीत भूमिका अदा करती है यानी विस्तार होती है उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। जैसे कि हम अपने हाथ को मोड़ रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, उस कंडीशन में हाथ को मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है हमारे बाइसेप्स मसल्स। इसलिए बाइसेप्स मसल्स एगोनिस्ट का काम कर रहा है। जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मुख्य भूमिका अदा करता है उसको एगोनिस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे हाथ को मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है बाइसेप्स, इसको एगोनिस्ट कहेंगे, और जो उसके विपरीत भूमिका अदा करता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो विपरीत में कौन भूमिका अदा कर रहा है? ट्राइसेप्स मसल्स। तो यहाँ पे ट्राइसेप्स मसल विस्तार में है, तो विपरीत भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स मसल्स, तो ट्राइसेप्स मसल्स यहाँ पे हो जाएगा एंटागोनिस्ट। और जब हम हाथ को विस्तार करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा ट्राइसेप्स मसल्स मुख्य भूमिका अदा करेगा, एगोनिस्ट का काम करेगा, और बाइसेप्स मसल्स विपरीत भूमिका अदा करेगा, एंटागोनिस्ट का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, मांसपेशी तंतु प्रकार का निर्धारण किया जाता है। तो मांसपेशी जो फाइबर होते हैं और तंतु होते हैं उसके किस प्रकार का है, रेड मसल फाइबर है कि व्हाइट मसल फाइबर है, इसका पता लगाने के लिए बायोप्सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के उत्तकों में कितने परसेंट जल होता है? दोस्तों, मांसपेशी उत्तक में 75%, हमारे शरीर में 65-70% जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछली जांग की मांसपेशी हैमस्ट्रिंग्स भी कहलाती है। आप जानते हैं जो हमारे आगे की जांग की सामने की क्वाड्रिसेप्स होती है, जो चार पेशियों से मिलकर बनी होती है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, चार से मिलकर बनी होती है हमारे क्वाड्रिसेप्स, जांग के ऊपर की सामने की मसल्स क्वाड्रिसेप्स, और उसके जस्ट पीछे की मसल्स हैमस्ट्रिंग होती है, जो तीन पेशियों के समूह से बनी होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस। ये हैमस्ट्रिंग ग्रुप्स की जो मसल्स होती हैं ये घुटने को मोड़ने में काम आती हैं, और क्वाड्रिसेप्स मसल जो जांग के सामने की मसल्स होती है वो घुटने जो हिप को मोड़ने और घुटने के विस्तार करने में काम आती है। नेक्स्ट दोस्तों, श्वेत मांसपेशी तंतु यानी कि व्हाइट मसल फाइबर तेज संकुचन हेतु बेहतर होते हैं। तो राइट है दोस्तों, हमारे शरीर में मसल्स में जो रेखित पेशियां होती हैं उसमें दो प्रकार के मसल्स फाइबर होते हैं, मसल्स में चाहे तीनों मसल्स हो, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर स्लो ट्विस्ट यानी धीरे धीरे संकुचित होती हैं, सहनशीलता वाले क्रियाओं में ज्यादा एक्टिव रहती हैं, काम आती हैं, और जो सफेद मसल फाइबर यानी व्हाइट मसल फाइबर होती हैं वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी कि जल्दी जल्दी संकुचित होती हैं। ये अनएरोबिक क्रियाएं यानी कि जो कम समय की क्रियाएं होती हैं उसमें स्प्रिंट जैसे कि स्प्रिंट दौड़ हो गया, ये सब में ज्यादा काम आती हैं। एंड नेक्स्ट है, मानव शरीर के वजन का कितना परसेंट स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी कि जो रेखित मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स होती हैं उसकी होती हैं? तो 40%। जैसे कि हमारे शरीर के वजन का कुल भार मांसपेशी कितना होता है? 45% भार होता है कुल शरीर के वजन का, जिसमें 45% में से 40% ओनली रेखित पेशियों यानी कि कंकाल पेशियों का होता है। नेक्स्ट है, अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई क्या होती है? दोस्तों, तो यहाँ पे जब सार्कोमियर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो मायोफाइब्रिल ही हो जाएगा, अगर सार्कोमियर दिया रहेगा तो सार्कोमियर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कि प्रोनेटल टेरस मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों, ये हमारे कलाई में होती है, हाथ में होती है, भुजा में, प्रोनेटल टेरस मांसपेशी।
जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मांसपेशी कौन सी कहाँ पाई जाती है और कौन सी मांसपेशी का क्या कार्य है, थ्योरी सेशन में चित्र के द्वारा पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो कुल 639 मांसपेशियां होती हैं, जिसमें से 400 से अधिक मांसपेशियां केवल रेखित पेशियों का होती है। नेक्स्ट है, कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है? तो वो होती है लैटिमस डोर्सी। कौन सी होती है? लैटिमस डोर्सी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है, जो क्या करने के काम आती है लैटिमस डोर्सी। तो दोस्तों लैटिमस डोर्सी जो है राइट क्लिम्बर मसल्स होती है, रोइंग मसल्स होती है, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है, और स्विमर मसल्स भी बोला जाता है। स्विमर मसल डेल्टॉइड और लैटिमस डोर्सी दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? दोस्तों तो हमारे जबड़े में, निचले जबड़े में होती हैं, जिसे मसेटर मसल्स बोलते हैं, या मसेटर मसल्स निचले जबड़े के मैंडिबल हड्डी के ऊपर चढ़ा रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रमुख प्रकार कितनी होती हैं? तो आप सबको पता है तीन प्रकार की होती हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स, यानी कि रेखित, अरेखित एंड हृदय पेशी, या हम ऐच्छिक अनैच्छिक या हृदय पेशी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? दोस्तों वह होता है ग्लाइकोजन, जो होता है हमारे मांसपेशियों में इकट्ठा रहता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो यही ऊर्जा में कन्वर्ट होकर हमें शक्ति प्रदान करता है, कार्य करने के लिए देता है। तो ये ग्लाइकोजन जो है हमारे मसल्स, हमारे लीवर आदि में जमा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो वह है रेक्टस फीमरस। नेक्स्ट है, मानव शरीर के वसा यानी फैट तथा टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है, या हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट, अनैच्छिक पेशी यानी कि जिसे हम स्केलेटल अनैच्छिक पेशी, दोस्तों जिसे हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, इसको अरेखित पेशी भी बोला जाता है। हमारे आंतरिक अंगों जैसे कि छोटी याद, बड़ी याद एंड जितने भी आंतरिक अंग हैं उसमें पाया जाता है। जो ऐच्छिक पेशियां होती है हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जैसे हमारे हाथ, पैरों आदि में पाया जाता है। जो कंकाली मांसपेशी होती हैं, जैसे कि आपको याद रखना है कि जो हमारे रेखित पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियों का जो संचालन करता है वो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, जबकि अरेखित पेशियां और हृदय पेशियों का जो नियंत्रण करता है वो ANS करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो ये अनैच्छिक प्रकार की होती है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, जीवन प्रयत्न कार्य करती हैं, जब ये कार्य करना बंद कर देती हैं तो इंसान की मृत्यु हो जाता है, और ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट है, पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों तो पेशी विज्ञान या गति विज्ञान या किनेसियोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट दोस्तों, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो गति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशीय तंतु के संकुचन एलिमेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मायोफाइब्रिल यानी पेशीय तंतु। नेक्स्ट है, शरीर रचना एनाटॉमिकल विज्ञान में हृदय के मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो एनाटॉमिकल भाषा में हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम बोला जाता है। हृदय में तीन मांसपेशियां होती हैं, एपिमाइसियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। माइसियम नहीं दोस्तों, हमेशा कार्डियम लगे रहेगा, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम पेरिकार्डियम के दो परत से बना होता है, जिसके अंदर सेरस नामक द्रव भरा रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है? तो पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है उचित और पर्याप्त व्यायाम करना डेली बेसिस पे। नेक्स्ट है, पूर्ण मांसपेशी टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? और रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया टाइम पर सबसे ज्यादा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में बृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो लोअर लिम में पाई जाती है, जैसे कि सबसे मजबूत सबसे बड़ी मांसपेशी हमारी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट है, लाल तंतु यानी रेड मसल फाइबर से बने स्लो ट्विस्ट मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं किसके लिए? दोस्तों सहनशीलता के लिए, एरोबिक एक्टिविटी के लिए। वहीं पे सफेद तंतु फाइबर जो होती है वो जल्दी जल्दी संकुचित होता है, वो एरोबिक
एक्टिविटी यानी कि कम समय के क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स द्वारा प्रत्येक सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है, तो वह 3 से 4 किलोग्राम के बराबर। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियां में कौन से प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, तो मांसपेशी जो है एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट से बना होता है, और जिसमें एक्टिन के अंतर्गत प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। जब एक्टिन छड़ों का मायोसिन छड़ों पर फिसलने से मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होता है। एंड नेक्स्ट हुआ है दोस्तों कि टेनिस फोर हैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग होता है, तो हमारे वक्ष पर कौन सी पेशी होती है, पेक्टोरेलिस मेजर, जो उसे थ्रोइंग मसल्स कहते हैं, कोई चीज थ्रो करने में काम आती है, तो टेनिस फोर हैंड में हम उसको थ्रो कर रहे हैं तो पेक्टोरेलिस मेजर वक्ष पेशी का काम आता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक स्थान पर जॉगिंग करने से क्या होता है दोस्तों, अब एक स्थान पर हम जॉगिंग कर रहे हैं तो घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, ओनली जो घुटने के पीछे की मसल्स होती है उसके सिवा जो हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो जाती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं, इसमें से कुल 300 जोड़े पाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारी व्यायाम के समय किसकी ओर रक्त का आपूर्ति बढ़ जाता है, तो कंकाल मांसपेशियों की। भारी व्यायाम जब हम करते हैं तो कंकाल मांसपेशियों में क्या होता है, रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कौन सी पेशी केवल तंत्रकीय तंत्र द्वारा उद्दीप्त करने से ही आकुंचित होती है दोस्तों, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही उद्दीप्त करने पर आकुंचित कौन होती है, तो कंकाल मांसपेशियां। और हमारी अरेखित और हृदय पेशी को कौन उद्दीप्त करता है, तो वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, याद रखिएगा ANS। नेक्स्ट है लीन बॉडी मास क्या है दोस्तों, लीन बॉडी मास जो है शरीर की पेशी हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यू को हम कहते हैं लीन बॉडी मास। हमारा शरीर दो चीजों से मिलकर बना है, लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास। शरीर संरचना को दो भागों में बांटा गया है, बॉडी कंपोजिशन को लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास, याद रखिएगा। लीन बॉडी मास मतलब वसा रहित शरीर। नेक्स्ट है यदि जोरदार काम करने से पेशी को चोट पहुंची हो तो व्यायाम कितने घंटे के बाद किया जा सकता है, 48 घंटे यानी 2 दिन के बाद। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन होती है, तो वो नितंब की पेशी यानी जो हिप की पेशी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट है दोस्तों टेनिस एल्बो क्या है, और टेनिस एल्बो जो है, एल्बो मतलब हमारा जो होता है कोहनी पर चोट लग जाता है, वो अति प्रयोग यानी ओवर यूज इंजरी होती है, अति प्रयोग से होने वाली इंजरी, जैसे कि हमारे टेनिस खिलाड़ी, टेनिस बैडमिंटन एंड जो भी इस तरह के खेले हैं उसको खेलने से, गलत तरीके से या अति उपयोग से खेलने से ऐसा होता है। नेक्स्ट है एचिलिस टेंडनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है, तो हमारे जो एड़ी की टेंडन होती है, टेंडन क्या करता है, कंकाल मांसपेशियों यानी कि स्केलेटल मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है। जो एचिलिस टेंडन होती है हमारे शरीर की सबसे मजबूत टेंडन होती है जो हमारे एड़ी के पास होती है, तो एचिलिस टेंडनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है, तो हमारे पिंडली की मांसपेशियां जो होती है, पैर की मांसपेशियां, वो मजबूत होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा विद्युतीय क्रिया उत्पन्न होती है कंकाल मांसपेशियों में, एक्शन पोटेंशियल वहां से आता है, तब हमारी मांसपेशी क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी माप मांसपेशियों के एक्शन पोटेंशियल की माप जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी से किया जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की दीवार का मध्य कोर्स है, तो दोस्तों ये हृदय की दीवार 3 मांसल से बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, तो मध्य वाला दीवार को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त
पेशी कौन सी है, तो हमारे श्रोणि को मोड़ने में चतुश्तिरस यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स काम आती है, जो चार पेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लिटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, इन चार पेशियों से मिलकर बना होता है हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो हमारे हिप को मोड़ने यानी श्रोणि को मोड़ने और घुटने के विस्तार करने में काम आती है। नेक्स्ट दोस्तों, लंबी दूरी की श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में कौन होते हैं, तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ कि जो दो मसल फाइबर होते हैं, रेड मसल और वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर स्लो ट्विस्ट धीरे धीरे संकुचित होती है, जो सहनशीलता वाले खेलों एरोबिक एक्टिविटी में काम आती है, जैसे धीमे स्प्रो वाला ज्यादा तंतु। यहाँ पे लंबी दूरी की बात कहा है, सहनशीलता तो धीमे स्प्रो वाला हो जाएगा, कम दूरी कम समय की यानी शक्ति की बात करेगा, अन एरोबिक एक्टिविटी की बात करेगा तो वहाँ पे श्वेत मसल फाइबर यानी कि वाइट मसल फाइबर फास्ट ट्विस्ट फाइबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है, तो होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। नेक्स्ट दोस्तों, सीटअप्स का क्या उद्देश्य है, तो सीटअप्स जो है हमारे तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है, जिसमें बीच में फोर्स अप्लाई होता है, तो यह उदर यानी पेट की पेशी को शक्ति उत्पन्न करता है, मजबूत बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अवलंबी मांसपेशियां यानी जो पट्टा पेशी होती है, कम स्पर्श यानी टेंडन और असुंडाकार होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको पट्टा मांसपेशियां यानी कि पट्टा मांसपेशियां कहते हैं। पट्टा मांसपेशियां का एग्जांपल कौन है, हमारा सार्टोरियस मसल्स है, और पेट की जो हमारा सीधी पेशी होती है जिसे क्या कहा जाता है, रेक्टस एब्डोमिनस, ये भी पट्टा पेशी के अंतर्गत आता है। जैसा कि दोस्तों हमारे मसल्स को आकृति और आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि बेलन आकार की फ्यूसी फार्म, जिसमें हमारा दोनों तरफ जो है टेंडन के दोनों तरफ मसल्स फाइबर चिपके रहते हैं, जैसे कि हमारा ब्रांचियोलिस बाइसेप्स के पास की मसल्स, रेडियोलिस आदि होते हैं। और एक होता है पेनिफॉर्म, जो तंतु जो है टेंडन के साइड में तिरछे या विकर्ण में निकले रहते हैं, जैसे यूनिपेनिफॉर्म, बाईपेनिफॉर्म, मल्टीपेनिफॉर्म। यूनिपेनिफॉर्म में टेंडन के एक तरफ फाइबर जुड़ा रहता है, जैसे कि टीबियल पोस्टीरियर सेमी मेम्ब्रेनियस। एंड बाईपेनिफॉर्म, जिसमें टेंडन के दोनों तरफ फाइबर यानी पेशी तंतु जुड़ा रहता है, जैसे रेक्टस फेमोरिस, जांघ की हड्डी की पर चढ़ी हुई। और मल्टीपेनिफॉर्म, जैसे कि एक ही जगह से टेंडन बहुत सारे निकले रहते हैं, उन पर फाइबर की पंख की आकृति बनी होती है, जैसे डेल्टायर मसल। एंड ट्रायंगुलर मसल्स में भी डेल्टायर मसल्स भी आता है। और लॉन्गिट्यूडनल रिबन के आकार की पट्टा पेशी में सार्टोरियस मसल्स एंड रेक्टस एब्डोमिनस, पेट के बीच की सीधी पेशी होती है। एंड एक होता है क्वाड्रिलेटरल यानी चौकोर आकार की, यानी कि जिसमें हमारा होता है रोमबॉइड, गर्दन के पीछे की मांसपेशी। एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, इस प्रकार पांच भागों में बांटा गया है आकृति आकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशीय पीड़ा के दूसरे प्रकार को DOMS कहा जाता है। DOMS का फुल फॉर्म क्या है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। नेक्स्ट दोस्तों, मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होता है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, तो हमारे मसल्स में दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो थिन फिलामेंट होता है, पतला फिलामेंट, उसको एक्टिन कहते हैं, जो थिक फिलामेंट यानी मोटा फिलामेंट होता है, उसे हम मायोसिन कहते हैं। तो यहाँ पे मायोसिन राइट होगा, यहाँ पतला फिलामेंट कहता है तो एक्टिन राइट होता। नेक्स्ट है, मांसपेशीय सहन क्षमता का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वह मांसपेशियों का थके बिना लंबे समय के लिए काम करने की क्षमता को ही हम मांसपेशीय सहन क्षमता कहते हैं, बिना थके लंबे समय तक। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है, तो वसा हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोटीसी के रूप में जमा होती है। तो जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल होता है, इसमें से जो वसा होता है, फैट होता है, हमारे शरीर में जमा होता है ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड के रूप में एडिपोज टिश्यू के नीचे। और जो हमारा प्रोटीन होता है, हमारे शरीर में अमीनो एसिड में जाकर बदल जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज में बदल करके ऊर्जा देता है। और जमा कैसे होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है।
यकृत और मांसपेशियों में। नेक्स्ट है दोस्तों, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। तो दोस्तों मांसपेशी कोशिका में सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ऑटोट्रॉफी कहते हैं। और जब मजबूत होती है तो वो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं दोस्तों। या एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया हुआ था, थोड़ा सा उसमें अनुवांशिक शब्द लगा दिया था जिसमें कंफ्यूज होकर के दूसरा आंसर सब लोग टिक लगा दिए थे। तो दोस्तों ये जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसको मांसपेशी ऑटोट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। और जब डेली एक्सरसाइज के कारण मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं तो उसे हम हाइपरट्रॉफी, मसल्स हाइपरट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। तो मांसपेशी की जो कार्यात्मक कुशलता किस पर निर्भर करती है, रेशों के गुण के कारण। जैसे कि हमारे रेशे फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, रेशों के गुण के कारण। तो दो प्रकार के रेशे होते हैं दोस्तों, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। नेक्स्ट है, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर में कुल वजन के 2/5 भाग बनाती हैं, यानी 40% वह है स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी कि रेखित मांसपेशियां। नेक्स्ट है, जॉगिंग और खेलना करते हैं, क्या करते हैं, यह हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एटीपी किसमें भंडारित रहता है, तो हमारे मांसपेशियों में एटीपी जो है वो भंडारित रहता है। नेक्स्ट है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन होती है, तो सार्टोरियस मसल्स होती है जिसे पट्टा पेशी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः किस क्रिया में से संबंध है, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हमारे ह्यूमरस हड्डी के ऊपर हमारे बांह में बाइसेप्स मसल्स होती है जो हमारे कोहनी को फ्लेक्सन यानी मोड़ने में काम आती है, और ट्राइसेप्स मसल्स जो होती है ह्यूमरस हड्डी के पीछे यानी कि ऊपरी बांह के पीछे की तरफ होती है, वो ट्राइसेप्स मसल जो हमारे कोहनी के विस्तार यानी कि एक्सटेंशन में काम आती है। यहाँ पे कोहनी भी सर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, तो ये सोलियस मसल जो है पांव के निचले भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट दोस्तों, बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशियां मुख्यतः उत्पन्न करती हैं, तो क्या उत्पन्न करती है, जांघ का आकुंचन। बाइसेप्स फीमोरिस की बात कर रहा है, तो यह हमारे जांघ के पीछे की मांसपेशी हेमिस्ट्रिंग ग्रुप की है। हेमिस्ट्रिंग मसल्स तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, बाइसेप्स फीमोरिस, गैस्ट्रोनेमियस और सेमी मेम्ब्रेनियस। तो यहाँ पे बाइसेप्स फीमोरिस क्या काम करता है, घुटने को मोड़ने यानी जांघ के आकुंचन में काम करता है। नेक्स्ट है, मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है, तो एटीपी होता है, या एटीपी नहीं रहेगा तो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है शर्करा। नेक्स्ट दोस्तों, किस मांसपेशी को लिफ्टर मसल्स कहते हैं, तो लिफ्टर यानी सहायता करने का डेल्टॉइड मसल जो हमारे कंधे पर होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से एनारोबिक स्टेरॉइड से प्रभावित होता है, ये हमारे डोपिंग के अंतर्गत आता है। जो प्रतिबंधित पदार्थ है यह हमारे मांसपेशी शक्ति को एकदम से बढ़ा देता है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट दोस्तों, कॉफ पेशी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कॉफ पेशी को गैस्ट्रोनियमियस के नाम से जाना जाता है जो हमारे घुटने के नीचे के पीछे की तरफ होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सी है, तो हमारे पेट की मसल्स को विकास के लिए घुटने मोड़कर सीटअप लगाना होता है जो हमारे तीसरे प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मांसपेशी को उस प्रकार को बताया जो शरीर की गति करते समय सिकुड़ती है दोस्तों, तो उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। गति करने में जो मुख्य भूमिका अदा करती है एगोनिस्ट, उसके विपरीत जो अदा करती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियां मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं, तो आकृति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा ये मेन है। जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों यानी कि मरम्मत करने का काम आता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हमारे ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऐंठन किनके अभाव में होता है, तो हमारे शरीर में जब तरल लवणों यानी खनिज लवणों का अभाव हो जाता है तो मांसपेशी में ऐंठन होने लगता है।
नेक्स्ट रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंट्रोसेप्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, तो हमारे कुल्हे यानी हिप में होती है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल्स होती है। नेक्स्ट मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत सरकवा सूत्र सिद्धांत किसने दिया था, हक्सले ने दिया था, अमेरिका के थे, 1954 में दिए थे। नेक्स्ट दोस्तों सार्कोमियर क्षेत्र स्थित होता है दोस्तों तो दो जेड लाइनों के बीच स्थित होता है, हमारे जो शरीर में फिलामेंट पतले मोटे ये एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है, हमारे शरीर में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है, तो यहाँ पे ए बीच वाला एक्टिन है मायोसिन है, ठीक है, एन किनारे वाला एक्टिन है, एक्टिन को दो लाइन काटती है जिसे जेड लाइन करते हैं, ठीक है, तो इसी के बीच के हिस्से को हम एक्टिन मायोसिन के जो हिस्सा होता है जेड लाइनों के बीच उसको सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर जो है मांसपेशी कंकाल मांसपेशियों की संकुचन इकाई होती है, एक्टिन के मायोसिन छोड़ों पर फिसलने से मांसपेशी कंट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट मांसपेशी क्रिया पूर्णता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है, तंत्रिका एवं रक्त संभरण पर, मांसपेशी क्रिया जो भी होती है तंत्रिका और रक्त संभरण पर निर्भर करती है, जब तंत्रिकाओं से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्शन पोटेंशियल मांसपेशी में आता है तब मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट हृदय मांसपेशी कहते हैं मायोकार्डियम। नेक्स्ट दोस्तों अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई क्या होती है, अभी जस्ट मैं बताई हूँ सार्कोमियर होती है, दो जेड लाइनों के बीच के हिस्से को हम सार्कोमियर कहते हैं। नेक्स्ट रेसिप्रोकल इनर्वेशन का अर्थ क्या है, तो रेसिप्रोकल इनर्वेशन का अर्थ होता है जब एंटागोनिस्ट मांसपेशी स्थिर यानी विस्तार अवस्था में हो और एगोनिस्ट मांसपेशी स्थिर हो। नेक्स्ट है उत्तेजित होने पर 110 माइक्रोसेकेंड में चरम तनाव पर पहुंचने वाला मांसपेशी तंतु क्या होता है, तो वह फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है, क्या होता है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी FTB। नेक्स्ट है सार्टोरियस का क्या अर्थ है, तो दोस्तों सार्टोरियस मसल्स हिप का विस्तार और घुटने के संकुचन में काम करती है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं, तो पोटेशियम की कमी से शरीर की मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, तो वह होती है हमारे निचले जबड़े की मसेटर मसल्स। नेक्स्ट दोस्तों टेलर मसल्स किसे कहते हैं, तो टेलर मसल्स सार्टोरियस मसल्स कहते हैं जो हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स होती है, हमारे जांग पर होती है। नेक्स्ट दोस्तों लेफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं, दोस्तों तो डेल्टॉइड मसल्स को हम लेफ्टर मसल्स यानी सहायता करने का मसल्स कहते हैं, डेल्टॉइड मसल्स को लेफ्टर मांसपेशी कहते हैं। एंड दोस्तों बॉक्सर मसल्स कहा जाता है सेरेटस एंटीरियर को, रोइंग मसल्स लैटिमस डोर्सी को कहते हैं, स्विमर मसल्स डेल्टॉइड और लैटिमस डोर्सी को कहते हैं, थ्रोइंग मसल्स पेक्टोरलिस मेजर जो हमारे वक्ष पर होती है, टेलर मसल्स सार्टोरियस को कहते हैं, मलखम या राइडर मसल्स एडक्टर मंगस को कहते हैं, लेफ्टर मसल्स डेल्टॉइड मसल्स को कहते हैं, कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को बोलते हैं, राइट क्लिम्बर मसल्स लैटिमस डोर्सी को कहते हैं। आगे की ओर झुकने में कौन सा मांसपेशी संकुचित होता है, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, तो दोस्तों आप सबको पता है हाथ के ऊपरी भाग में स्थित होती है बाइसेप्स, एंड उसके पीछे वाले भाग में ट्राइसेप्स होती है। बाइसेप्स घुटने को कोहनी को मुड़ने में काम आती है। नेक्स्ट है अमाशय में कौन सी पेशियां होती है, दोस्तों तो अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत इन सभी में आंतरिक अंगों में अरेखित पेशियां होती है स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट दोस्तों मांसपेशी के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने किया था, तो हैंसन तथा हक्सले ने, अमेरिका के रहने वाले ने 1954 में किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, तो दो प्रकार के रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर यानी सफेद और लाल मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है, धीरे धीरे संकुचित होता है सहनशीलता वाले खेलों यानी एरोबिक एक्टिविटी में काम आता है, और सफेद मसल फाइबर जो तेजी तेजी संकुचित होता है जो अनएरोबिक क्रियाओं यानी कि शक्ति वाले क्रियाओं में कम समय की क्रियाओं में हाई इंटेंसिटी की क्रियाओं में काम आता है। नेक्स्ट है एरोबिक अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक कारक होते हैं, तो एरोबिक कहे चाहे सहनशीलता कहे यहाँ पे आपका हो जाएगा या वायवीय
कार्य कहता है, लार मसल फाइबर हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे है आपका एनएरोबिक अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर तंतु अधिक सक्रिय होते हैं, तो सफेद मसल फाइबर जो फास्ट ट्विस्ट यानी जल्दी संकुचित होते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, तो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मांसपेशी जैसे कि कोशिका के जैव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसी प्रकार मांसपेशी कोशिका के अंदर द्रव भरा रहता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोलेमा नहीं कहते हैं, तो यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे सार्कोलेमा नहीं होगा, सार्कोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं, तो उसमें मायोफाइबर मांसपेशी तंतु निकलते हैं उसकी। एंड नेक्स्ट है दोस्तों ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी निर्माण होते हैं दोस्तों, तो हमारे श्वसन दो प्रकार का होता है, वह श्वसन जिसमें फेफड़ों में श्वसन होता है जिसके अंतर्गत इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन या श्वास को अंदर लेना इंस्पायरेशन, श्वास को बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन। उसके बाद जब एल्वोलाई जो है ऑक्सीजन को दे देता है रक्त में, जब पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है फेफड़ों में रक्त को शुद्ध करने के लिए, वहां पे एल्वोलाई से गैसों का ट्रांसफर हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है रक्त में, रक्त का जो लाल रेड मसल फाइबर होता है जो आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है, वहां से जो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ों में चला जाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है, और वही ऑक्सीजन जाता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जाने के बाद दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एनएरोबिक जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, वहां पे 2 एटीपी का निर्माण होता है, और उसके बाद जाता है 2 पायरूविक अम्ल बनकर के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है जिसमें 36 एटीपी का निर्माण होता है जिसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एरोबिक मेटाबोलिज्म में चयापचय प्रक्रिया कोशिका में कहाँ संपन्न होती है, तो एरोबिक मेटाबोलिज्म प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और अनएरोबिक मेटाबोलिज्म में कहेगा तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, अनएरोबिक मेटाबोलिज्म को ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया किसे कहते हैं कि ग्लूकोज को पायरूविक अम्ल में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया अनएरोबिक मेटाबोलिज्म में 2 एटीपी का निर्माण होता है, और एरोबिक मेटाबोलिज्म प्रक्रिया वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है जिसमें 36 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितनी एटीपी प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, तो 36 एटीपी का निर्माण होता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट दोस्तों क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है, तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म को ही जो वायवीय श्वसन होता है वह संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 36 एटीपी का निर्माण होता है, यानी एक ग्लूकोज के जाने से 38 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में और 36 एटीपी क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन में। नेक्स्ट दोस्तों क्रेब्स चक्र को क्या कहा जाता है, तो क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी बोला जाता है, इसको वायवीय श्वसन भी बोला जाता है, क्रेब्स चक्र भी बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एटीपी किस प्रक्रिया से ऊर्जा देता है, तो दोस्तों एटीपी जो है एडीपी प्लस पीआई में टूट कर एनर्जी देता है। तो जो एटीपी सीबी प्रणाली होती है, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पी मतलब फॉस्फेट, पीसी मतलब फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। जो एटीपी होता है हमेशा एडीपी प्लस पीआई में टूटकर एनर्जी देता है। नेक्स्ट पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज में बदल करके हमारे कोशिकाओं में जाता है, और वहां पे जो है वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। तो पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, एटीपी के द्वारा। तो वही एटीपी जहां जहां शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां वहां माइटोकॉन्ड्रिया भेजता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह यानी ऊर्जा उत्पादन करने का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है सांस के बाहर निकलने वाले वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो 4% हमारे वायुमंडल में, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही मात्रा हमारे जब श्वसन लेते हैं तो अंदर जाती है, जबकि बाहर निकलते समय वही कार्बन डाइऑक्साइड 4% हो जाती है, और ऑक्सीजन 16% और नाइट्रोजन जो है पूरा का पूरा 78% बाहर निकल जाता है, कोई यूज नहीं होता। नेक्स्ट है रक्त नलिकाएं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, तो रक्त नलिकाओं में जो भी जितने भी आंतरिक अंग हैं उसमें अनैच्छिक पेशियां होती हैं,
जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, अपने आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक पेशियों को, हृदय पेशियों को, जबकि हमारे ऐच्छिक पेशी जो कंकाल पेशियां होती हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल करती है, क्योंकि हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। हमारी इच्छा होगा तो हम किसी वस्तु को उठाएंगे, तो किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक संदेश भेज रहा है हमारे मांसपेशियों को, कंकाल मांसपेशियों को, उसके अनुसार हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है और हमारा हाथ की मांसपेशियां उसको उठा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो कार्डियम शब्द आते ही समझ लो हृदय की बात कर रहा था। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम तीन पेशियों से मिलकर बना होता है हमारा हृदय मसल्स, तो हृदय में। टेंडन क्या है दोस्तों? टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। एंड नेक्स्ट है, क्लास ए प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एनिमल प्रोटीन। क्लास बी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। और कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले मसल्स को क्या कहते हैं? तो टेंडन। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? अगर लगातार अभ्यास करेगा तो उसमें लैक्टिक एसिड कम देर से बनेगा, तो जिससे थकान जल्दी नहीं होगा और हम देर तक काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका मसल्स रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इससे बाहर आपका मसल्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जो भी डाउट हो क्लियर किया जाएगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंकाल तंत्र यानी स्केलेटर सिस्टम्स को लेकर के। स्केलेटर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन अवश्य हर बार आते हैं, इसलिए मिस्टेक मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।